मिथुन राशि, नौकरी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पूर्व काल के अधूरे कार्य पूरे करने के लिए आपको नियत समय से ज्यादा समय तक कार्य करना पड़ सकता है। आपकी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन दिन पूरा होने तक अपना लक्ष्य आप पूरा करेंगे। आपके कार्यों की सराहना होगी। आर्थिक रूप से प्रगति करने में भी आज आपको सफलता मिल सकती है। दिन के आखिरी दौर में किसी प्रकार का आकस्मिक खर्चा आ सकता है। पारिवारिक जीवन समस्याग्रस्त या तनावग्रस्त रह सकता है। नजदीकी लोगों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है या किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। कोई बहुत पुरानी पारिवारिक समस्या आज उग्र रूप धारण कर सकती है। आपका आरोग्य दिन भर अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। पारिवारिक जीवन में क्लेश की वजह से व्यावसायिक जीवन की सफलता का आज आप उपभोग ना कर पाए ऐसा संभव है। पारिवारिक समस्या सुलझाने के लिए आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन सकारात्मक है। विद्यार्थी वर्ग के ज्ञान में आज बढ़ोतरी हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, योग्यता और क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा के मुख्य स्रोत के अलावा अन्य किसी क्षेत्र में किसी नए कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं या इससे जुड़ सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को आज नजदीकी स्थल पर यात्रा भी हो सकती है। महिला वर्ग के लिए दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। निजी जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। नौकरी व्यापार व्यवसाय में सक्रिय महिलाओं को धन लाभ होगा। आसपास के लोगों से सहयोगियों से तालमेल बना रहेगा। दिन के आखिरी दौर में नजदीकी मित्र से मुलाकात होगी। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भी दिन सभी तरह से अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। बुजुर्ग व्यक्तियों की संतान से जुड़ी हुई कोई बहुत पुरानी मनोकामना आज पूरी हो सकती है। संतान से जुड़े हुए शुभ समाचार बुजुर्गों को आज मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में भी बहुत ही अच्छा सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा।